बिहार के कटिहार जिले से एक शराबी दूल्हे का मामला सामने आया है। इस शादी में दुल्हन के दरवाजे तक आते आते ही दूल्हा के शराब के नशे में होने की वजह से शादी ही टूट गई। दरअसल ये मामला भागलपुर के सुल्तानगंज से कटिहार के कुरसेला का है। भागलपुर के सुल्तानगंज के रहने वाले मंजीत की शादी कटिहार के कुरसेला की रहने वाली मनीषा से होने वाली थी। शादी को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन दूल्हे के इंतजार में बैठी थी। मंडप तैयार था। दूल्हे के घर से दुल्हन का घर महज 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और बाराती ने इस 70 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 घंटे तक का समय लगा दिया और बारात शादी के अगली सुबह 6 बजे दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। नशे की हालत में धुत दूल्हे और बाराती के इस रवैये को देखकर दुल्हन ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर बारातियों और सरातियों के बीच काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल शादी के दिन घर से बारात लेकर निकलने के बाद दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद नशा इतना चढ़ा था कि लड़का खड़े होने के लायक नहीं था। लड़का शादी करने के लिए और मंडप में बैठने के लिए भी होश में आ सके इसके लिए लड़के वालों के परिजन उसे नवगछिया में किसी डॉक्टर के पास ले गए। शादी वाले दिन ही रात भर लड़के का इलाज करवाया गया। नशा उतारने की पूरी कोशिश की गई लेकिन सुबह होने के बावजूद भी लड़का नशे में ही धुत रहा। लड़की वाले पक्ष की तरफ से रात भर पूछा जाता रहा कि दूल्हा कहाँ है लेकिन लड़के पक्ष रात के 11 बजे तक जाम में फंसे होने की बात करते रहे। लेकिन रात के 2 बजे तक लड़की पक्ष को भी पता चल गया कि लड़का शराब के नशे में है और नशा उतारने के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया है। लड़की को जो मामले की जानकारी मिली तो उसने शादी करने से ही साफ इनकार कर दिया। साथ ही लड़की वालों ने लड़के के शेरवानी से कई प्रतिबंधित चीज़ें जैसे कफ सिरप, नशे की गोली, चाकू और फाइटर आदि होने की बात भी कही है, जिसके बाद बारातियों को दुल्हन के गांव और घर वालों ने बंधक बना लिया। मामले को लेकर पंचायत भी बैठी और शादी के खर्च के एवज में 4.5 लाख रुपये जुर्माना भरने की बात भी लड़के वालों को कही गई। पूरे पैसे वसूलने के बाद ही नशेड़ी दूल्हे और बारातियों को छोड़ा गया। बता दें कि लड़की बीए पास थी और शिक्षक बनने के लिए बीएड कर रही थी। वहीं लड़का भागलपुर में लोगों के आयकर जीएसटी से जुड़े काम करवाता था। लड़के पक्ष के साथ जो बाराती आ रहे थे वे दूल्हे की शराब के कारण हालत बिगड़ता देखकर और नशे में धुत होता देखकर वहीं से वापस लौट गए थे। जो लोग साथ में आए उन्हें गांव वालों ने बंधक बना लिया था। स्थानीय लोगों की मदद से पंचायत बैठी, वहीं पर मामले की सुनवाई हुई। लड़के पक्ष ने शादी के सभी खर्चों का जुर्माना भरा और वहीं से लौटा दिए गए। लड़की की शादी टूटता देखकर उसके घर वाले और भाई काफ़ी परेशान रहे। शादी का घर दुख के माहौल में बदल गया लेकिन लड़की के भाई को इस बात का सुकून था कि बहन गलत हाथों में जाने से बच गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार में शराबबंदी के बाद भी लोगों तक शराब पहुंच जा रही है, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।